दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। यह खबर हमने पीआईबी से ली है और खबर है नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2020 के लिए 12 कंपनियों का चयन किया गया है। दरअसल ये कंपनियां नवाचार, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण यानी कमर्शियलाइजेशन में सफल रही हैं। इन कंपनियों का चयन 3 श्रेणियों, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स के तहत किया गया है। अवार्ड की पहली श्रेणी भारतीय प्रौद्योगिकी के सफल वाणिज्यीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसमें विजेता कंपनियां हैं L&T स्पेशल स्टील्स एंड हैवी फॉर्गिंग्स प्राइवेट लिमिटेड सूरत, विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड मुंबई। अवार्ड की दूसरी श्रेणी MSMEs के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसमें विजेता कंपनियां हैं अक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, SVP लेजर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, कैन बायोसिस प्राइवेट लिमिटेड पुणे, अलगारर न्यूट्रा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड थंजावर। अवार्ड की तीसरी श्रेणी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसमें विजेता कंपनियां हैं रार इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, फाइब्रोहील वुंड केयर प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर, आल्थियन टेक इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद, केबी कॉल्स साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड पुणे, शीरा मेड टेक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, न्यूंद्रा इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। यह पुरस्कार प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी TDB द्वारा प्रदान किया गया। यह बोर्ड भारत सरकार का सांविधिक निकाय है। TBD भारत सरकार के प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहा है। यह स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण के लिए काम करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। TBD की स्थापना 1996 में अभिनव स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण के लिए भारतीय कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।